दोस्तों, साल 2006 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म विवाह तो आप सभी ने देखी होगी। पूनम और प्रेम की कहानी देखने को मिली थी, जहां फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री और दोनों के प्यार के बीच में काफी अच्छे रिश्ते देखने को मिले थे, जिसके चलते लोगों ने इस फिल्म को अपना खूब प्यार दिया था और इस फिल्म को देखने के लिए तो सिनेमा घरों में भी भीड़ लगा दी थी। हालांकि आज भी इस फिल्म को देखकर दर्शक खूब मनोरंजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज साल 2023 में विवाह फिल्म में काम करके मशहूर हुए सितारे आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? शायद ही जानते होंगे। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको विवाह फिल्म में मशहूर हो चुके सितारों के आज के हालातों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 8, समीर सोनी। फिल्म में सुनील के किरदार को निभाने वाले अभिनेता समीर सोनी ने आज अपनी 54 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जहां फिल्म में इन्हें सिंपल शर्ट पैंट कैरी करते हुए काफी डैशिंग अंदाज में देखा गया था, तो वहीं आज भी ये टी शर्ट शर्ट जैसे ड्रेस को कैरी करके काफी हैंडसम नजर आते हैं। इसी के साथ बता दें, इन्हें आखिरी बार साल 2022 में निकम्मा फिल्म में देखा गया और फिलहाल ये अपनी पत्नी नीलम कोठारी और अपने बच्चों के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 7, मोहनीश बहल। फिल्म में अभिनेता मोहनीश बहल ने डॉक्टर के किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाया था, वहीं इन्होंने आज अपनी 61 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जिसके चलते अभी पहले जितने हैंडसम तो नजर नहीं आते पर फिर भी गुड लुकिंग दिखाई देते हैं। वहीं बता दें, पिछले 2 साल से इंडस्ट्री से दूर हैं और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई में अपनी लाइफ को अच्छे से बिता रहे हैं। नंबर 6, मनोज जोशी। विवाह फिल्म में अभिनेता मनोज जोशी ने भगत के किरदार को काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था, जहां इन्हें फिल्म में कुर्ते पजामे और शर्ट और पैंट में देखा गया, तो वहीं अब 57 साल की उम्र में जीन्स टी शर्ट और ब्लेजर को कैरी करते हुए ये नजर आते हैं। पर बता दें, इन्होंने अभी भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है और फिलहाल ये अपनी पत्नी चारू जोशी और अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 5, अनुपम खेर। अनुपम खेर ने फिल्म में प्रेम के ऑन स्क्रीन पिता हरीश चंद्र के किरदार में नजर आए थे। वहीं बता दें, अनुपम खेर ने अपनी 68 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। बता दें, अब ये पहले से एजेड नजर आते हैं, साथ ही अब इनके बाल भी हल्के पक चुके हैं और अब ये जीन्स टी शर्ट और ब्लेजर पहने हुए नजर आते हैं। वहीं इन्हें आखिरी बार कार्तिक के 2 फिल्म में देखा गया था, पर फिलहाल ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 4, अमृता प्रकाश। फिल्म में पूनम की ऑन स्क्रीन बहन रजनी बनकर अमृता प्रकाश ने लोगों को खूब दिल जीता था, जहां इन्हें फिल्म में सूट सलवार पहने और 2 चोटी में काफी नटखट अंदाज में देखा गया था, पर आज 35 साल की उम्र में वेस्टर्न और फैशनेबल ड्रेस को कैरी करने के साथ ही फुल मेकअप में काफी खूबसूरत नजर आती हैं। वहीं बता दें, आखिरी बार इन्हें 2020 में पटियाला वेब सीरियल में देखा गया था। साथ ही बता दें, फिलहाल ये आज भी सिंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रही हैं। नंबर 3, आलोक नाथ। फिल्म में पूनम के ऑन स्क्रीन चाचा कृष्णकांत के किरदार को अभिनेता आलोक नाथ ने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था, जहां फिल्म में इन्हें कुर्ते पजामे में देखा गया था, वहीं अब ये 66 साल की उम्र में पहले जितने गुड लुकिंग नजर नहीं आते क्योंकि उनके चेहरे पर हल्की झुर्रियां देखने को मिलती हैं। वहीं बता दें, इन्हें आखिरी बार साल 2019 में दे दे प्यार दे फिल्म में देखा गया था और फिलहाल ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 2, अमृता राव। फिल्म में पूनम के किरदार में एक संस्कारी बेटी और पत्नी के किरदार को अभिनेत्री अमृता राव ने बखूबी से पर्दे पर उतारा था। बता दें, आज साल 2023 में इन्होंने अपनी 41 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। बता दें, इन्हें वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा जाता है पर फिर भी खूबसूरत नजर आती हैं। साथ ही बता दें, आज ये फिल्मों से दूर अपनी फैमिली के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से बिता रही हैं। नंबर 1, शाहिद कपूर। फिल्म में अभिनेता शाहिद कपूर ने प्रेम के किरदार को काफी शिद्दत से पर्दे पर उतारा था। बता दें, इन्होंने आज अपनी 46 साल की उम्र में भी ये पहले जैसे ही हैंडसम और डैशिंग नजर आते हैं। वहीं इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा हुआ है, जहां इन्होंने साल 2015 में मीरा राजपूत से शादी कर ली, जिनसे आज इनके 2 बच्चे हैं और आज ये अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। वेल दोस्तों, आप विवाह फिल्म से मशहूर हुए कलाकारों के आज के हालातों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।